आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों का किस तरह का एक्शन रहा है फ्राइडे के सेशन को। अच्छी बात है कि दो दिनों से हम देख रहे हैं एफआई की सेलिंग थोड़ी रुकती हुई दिख रही है। डीआईएस तो लगातार बाजार को सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर एफआईएस की बिकवाली भी हमने कम होती हुई दिखी है। कैश मार्केट में करीब 2264 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की रही है। इनफैक्ट आइए समझते हैं इन सारे संकेतों को और हफ्ते की तैयारी, आज की ट्रेड की तैयारी करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी के साथ। गुड मॉर्निंग सर। थोड़े मिले जुले ग्लोबल संकेत, इनफैक्ट इस समय बाजार का एक्शन थोड़ा संभला हुआ दिख रहा है। एशिया के बाजार अच्छे मूड में है। बताएं सर, किस हफ्ते किस तरह से करनी है इस हफ्ते की तैयारी, आज के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, संकेत मिले जुले जहां अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स थोड़े से संभलने के संकेत दे रहे हैं। खबरें मिली जुली सी आती दिख रही है कि बहुत अच्छी तो सुनने में नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल और कमोडिटीज सोना चांदी थोड़े से ठंडे हैं, तो कमोडिटी मार्केट से संकेत अच्छे हैं। बाकी मार्केट मिक्स से है। रूस यूक्रेन को लेकर कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, वैसी की वैसी स्थिति है। तो हमने जहां फ्राइडे को छोड़ा वहीं से शुरुआत करेंगे। जैसा कि S&P 50 दिखा रहा है, हल्की फुल्की नरमी के साथ कुछ शुरुआत हो सकती है और जो भारी उतार चढ़ाव या एक तरफा तेजी वाले सेशन से शुक्रवार को जो दीप हम बात कर रहे थे कि अब रेंज बाउंड ट्रेड हो सकता है, दोनों तरफ के मौके मिल सकते हैं। मुझे लगता है डेटा अभी भी यही सजेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह का न्यूज फ्लो है ये सजेस्ट कर रहा है कि रेंज बाउंड बाजार आएंगे, और इस रेंज बाउंड बाजार में जब तक की कोई नई खबर बड़ी खबर ना आ जाए और ट्रिगर ना बने, तब तक आप ये मानकर चल रहे निचले स्तरों पर 16,450 आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, और इसके आसपास आने पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। इस तरह पर 16,700 के ऊपर निकलते ही आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, तो 16,700-16,800 आपके लिए रेंज हो सकती है जहां पर आपको बिक वाली या प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आए। अब आइए जहां तक सवाल है बैंक निफ्टी का, निचले स्तरों पर 33,825-34,000 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज होगी, और ऊपरी स्तरों पर 34,900-35,100 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती है। तो आज भी अगर कोई बड़ी खबर किसी तरह से आ जाए तो वो तो पता नहीं, अदरवाइज जब तक खबरें नहीं है दीप, मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेंगे, और ऐसे में रेंज के निचले स्तरों पर इंतजार करें बाजार के लिए आने का, वहां पर खरीदारी करें, ऊपरी स्तर पर आए तो वहां पहले प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर वापस निकलने का इंतजार करें, तो ये ट्रेड मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रह सकता है।